हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके घर में भी लड्डू गोपाल है और आप सिंहासन बनाने का सोच रहे हो तो आपके घर में बिल्कुल जो कपड़े बचे हुए हैं और लेस वगैरह बचा हुआ है उसी से आप बना लोगे। बहुत कम टाइम में मैंने इसे तैयार किया है अपने लड्डू गोपाल के लिए। तो चलो मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ कि किस तरह से हम इसे बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए जो हमें सबसे पहले लगेगा वो ये है कार्डबोर्ड, जो नॉर्मल पार्सल के टाइम में ये कार्डबोर्ड आते हैं पैक करके। मैंने उसी को 7 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है और 5.5 इंच इसकी चौड़ाई ली है। आप अपने हिसाब से लंबाई चौड़ाई ले सकते हैं, मुझे इतना ही छोटा बनाना था इसलिए मैंने लिया है। और ये थर्माकॉल लिया है मैंने, ये मेरे पास था जो कि इसमें अच्छे से यूज़ हो जाएगा, चौड़ाई इसकी थोड़ी चौड़ाई हो जाएगी सिंहासन की। आप इसके जगह में कार्डबोर्ड को भी 4-5 लेयर लगा के भी चौड़ा कर सकते हो, कपड़ा भी डाल सकते हो, रुई भी डाल सकते हो, मतलब कॉटन। बट ये थर्माकॉल ठीक है, मैं इसको चिपका लेती हूँ। आप इसकी जगह में किसी भी चीज़ से चिपका सकते हो, मैं यहाँ पे फेविकॉल से चिपका रही हूँ। आप ग्लू गन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो फटाफट से मैं इसे चिपका लेती हूँ। तो मैंने एक थर्माकॉल पे एक कार्डबोर्ड चिपका लिया है और दूसरे वाले जो कार्डबोर्ड है उसमें बस फेविकॉल लगाना है। और आपने जितना बड़ा कार्डबोर्ड काटा है उससे थोड़ा एक्स्ट्रा आपको कपड़ा काटना है। मैं ये वाला कपड़ा एक वाले जो कार्डबोर्ड है उस पर चिपका देती हूँ। इस तरह से मैंने हर तरफ से 1/2 इंच के करीब कपड़ा बड़ा लिया है कार्डबोर्ड से। इस तरह से चिपका के इसे हर तरफ से मैं कवर कर दूँगी बिल्कुल अच्छे से। मैंने जो एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है उसे कट कर दिया है थोड़ा थोड़ा, जिससे ये चिपकाने में सुविधा होगी और बिल्कुल अच्छी फिनिशिंग आएगी। आप देख सकते हो मैंने इसे चिपका लिया है। अब हम नेक्स्ट उस कार्डबोर्ड पे कपड़ा चिपकाएंगे जिसमें थर्माकॉल लगा हुआ है। तो आप इसमें 1 से 1.5 इंच अपने कपड़े को ज़्यादा लीजिएगा जिससे ये अच्छे से कवर हो पाए। तो इसे रख के आप 1 से 1.5 इंच कपड़ा ज़्यादा मैं कट कर लेती हूँ, उसके बाद इसमें चिपका देती हूँ। तो आप इसे चिपकाने के लिए ग्लू गन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं इसे फेविकॉल से चिपका देती हूँ सभी तरफ से, बिल्कुल अच्छे से घींच के आप चिपकाइएगा जिससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आए। देखिए बिल्कुल चिपक गया अच्छे से। अब इसके ऊपर हम ये कार्डबोर्ड वाला चिपका देंगे। अब हम बनाएंगे इस सिंहासन का पैर जिस पे ये खड़ा होगा। तो कुछ इस तरह से आपको बनाना है। इसके लिए एकदम मैंने 1 इंच से भी कम मैंने कार्डबोर्ड काटा है और इसे इस तरह से फोल्ड करके मैं बना लूँगी। और इसमें सेलो टेप से बिल्कुल इसे अच्छे से टाइट एकदम आप कर लीजिए जिससे ये खुले ना। और उसके बाद या तो ग्लू गन से या फेविकॉल से आप इसे चिपका देंगी इसके ऊपर कपड़ा, जो भी कलर का कपड़ा आपको लेना है। मैंने मैचिंग कपड़ा ही डाला है। उसके बाद सारा मैंने बनाकर बस इसमें आपको चिपका देना है। आप ग्लू गन का इस्तेमाल कर सकते हो या तो फेविकॉल से। तो मैंने इस तरह का लेस लिया है, बहुत सारे लेस मेरे घर पे पड़े हुए थे। इस तरह के बहुत सारे लेस सभी घर में थोड़े बहुत पड़े होते हैं, तो वही सारे लेस मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी और इसे थोड़ा और भी सुंदर बनाने की कोशिश करूँगी। तो देखिए मैंने ये लेस चिपका लिया है और ये काफ़ी चौड़ा है तो एक और लेस चिपकाना होगा। तो मोती वाला लेस काफ़ी अच्छा रहेगा यहाँ पे चिपकाने के लिए। और पैर में जो इसका पैर है वहाँ पे मैं ये लेस चिपकाऊंगी, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं सब चिपका लेती हूँ उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो देखो ये इस तरह से काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब हम सिंहासन का लंबा वाला पिल्लो बनाएंगे, जो लंबा वाला तकिया होता है। तो आप जितनी भी लंबाई का ये सिंहासन है उतना ही आप कपड़ा काट लीजिए, इसकी जो भी लंबाई रहेगी वो उतनी रहेगी। और इस तरह से हम सिल लेंगे, मैं हाथ से ही सिल रही हूँ इसे। तो फटाफट से आप इसे सिल लीजिए इसकी लंबाई। देखिए मैंने सिल लिया है इसकी लंबाई पूरा। और उसके बाद से इसकी जो चौड़ाई है उसे भी आपको सिल लेना है। तो आप जब इसकी चौड़ाई आप सिलेंगे तो बिल्कुल इस तरह से सिल के लास्ट में बिल्कुल टाइट एकदम एक जगह कर लीजिएगा कपड़े को और फिर उसे भी सिलाई कर दीजिएगा। तो कुछ इस तरह से आपको ये दिखेगा। आप इसे पलट लीजिएगा और पलटने के बाद हम इसमें दो ऐसा सिल लेती हूँ और उसके बाद इसमें कॉटन भरूँगी और उसके बाद इसे भी सिलाई कर दूँगी। तो मैंने इसमें रुई भी भर दिया और सिल भी ली हूँ जैसे पहले हम लोगों ने सिला।
उसी तरह से ये दोनों सिल के उसके ऊपर से मैं लेस लगा देती हूँ जो मैंने सिंहासन में भी लगाया है, तो ये ज़्यादा प्यारा दिखेगा। तो कुछ इस तरह से मैंने इसमें भी लेस चिपका दिया है, आप देख सकते हो, और ये मैंने ग्लू गन से चिपकाया है। तो लड्डू गोपाल का सिंहासन तो रेडी है। तो आप भी चाहते हो कि अपने हाथ से लड्डू गोपाल के लिए सिंहासन बनाओ, तो फटाफट से बना लो, ये सारी चीज़ें आपके घर पे अवेलेबल है, और वो भी अपने प्यार भरा मेहनत अपने लड्डू गोपाल के लिए ये सिंहासन बनाओगे तो बहुत प्यारा लगेगा। मैंने अपने लड्डू गोपाल को ये बना के उन पर ही रखी हूँ, अभी वो वहीं पर बैठे हैं। तो आप भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हो तो उसकी कहानी मेरे साथ ज़रूर शेयर करो, क्योंकि सबके घर में अलग अलग कहानी होती है लड्डू गोपाल की। और आगे भी इस तरह के वीडियोस देखने हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियो लाने वाली हूँ लड्डू गोपाल के लिए। तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और वीडियो कैसा लगा आपको मुझे ज़रूर कमेंट के ज़रिए बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।